फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे देशों का इतिहास हम पिछले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। जिन देशों में क्रांतियां हुई हैं उन सभी को हमने कवर किया है पिछले वीडियोज में, जैसे चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, या फिर फ्रांस की क्रांति हो या अमेरिकी क्रांति, सभी से संबंधित एक एक दो दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो फ्रेंड्स, और भी यदि वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जापान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जापान का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही बड़े बड़े देशों को इसने हराया है और दुनिया की तीसरी सुपर पावर था एक टाइम ये जापान। बहुत ही छोटा सा देश है एशिया का, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इसी देश में आई एशिया में, इंग्लैंड के बाद इंग्लैंड को टक्कर दी इसने औद्योगिक क्रांति में, जर्मनी, इंग्लैंड और जापान ये अग्रणी थे इसमें औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जापान ने किन दो बड़े देशों को युद्ध में हराया था? ये थे चीन और रूस। चीन को इसने दो बार हराया था और रूस को भी एक बार इसने हराया था। तो एक तो जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़े देशों को इसने हराया युद्ध में। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में जापान कहलाता था, अब भी कहलाता है, इसको उगते सूर्य का देश बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन सा देश कहलाता है? जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, उगते सूर्य का देश, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय इसी देश में ही होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, इसी कारण उसका अरुणाचल प्रदेश नाम है। अगला क्वेश्चन, जापान ने चीन को युद्ध में कब हराया था? तो पहली बार तो कब हराया था इसने, 1894-95 में चीन को युद्ध में हराया था, और उसके बाद 1937 में भी हराया था इसने दूसरी बार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश जो 1904-5 में जापान से बुरी तरह हारा, रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हार गया था जापान से 1904-5 में। तो फ्रेंड्स, इसने किस कारण लड़ी थी चीन और रूस के साथ लड़ाई? कोरिया पर अधिकार के लिए, कोरिया के प्रश्न पर इनके बीच लड़ाइयाँ हुई थी, जो अब कोरिया किम जोंग उनके कारण चर्चा में रहता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दो हिस्से हैं इस देश के फिलहाल। तो वहाँ पर प्रभात की शांति का देश कौन सा कहलाता है? प्रभात की, सुबह की शांति का देश कौन सा कहलाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, तो देखिए, जापान को दुनिया ने वर्ल्ड पावर मान लिया था, तीसरी सबसे बड़ी वर्ल्ड पावर। 1921 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन में जापान को अमेरिका व इंग्लैंड के बाद खालिस्तान शक्ति मान लिया गया था, तीसरी, दुनिया की तीसरी सुपर पावर मान लिया गया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिलहाल चाइना इस पोजीशन पर है, चाइना आगे ही है कुछ इंग्लैंड से, हालांकि अमेरिका तो फिलहाल भी टॉप पोजीशन पर है। तो चाइना कितना पीछे था पहले और जापान कितना आगे था, बहुत ही छोटा सा देश है जापान। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो 1937 में जापान से आ रहा था, कौन है, कौन सा देश है ये? चीन। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी यानी मुद्रा का नाम है युआन, युआन वहाँ की मुद्रा है। जापान ने दूसरी बार हराया था इसको, चाइना को, लड़ाई में, और बहुत ही पावरफुल कंट्री था। हालांकि 1945 में वहाँ पर अटैक हो गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसके बाद इसने हथियारों की दौड़ से बाहर हो गया था जापान, हथियार इकट्ठे करने लगभग बंद ही कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे इस बारे में, जापान के पूरे इतिहास के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने साथ दिया था, किन किन देशों का साथ दिया था? इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया था, क्योंकि इंग्लैंड और इस जापान के बीच एक समझौता हो गया था कि दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे किसी भी युद्ध या कठिन परिस्थिति में। तो उस तरह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कितने बड़े देश, उस टाइम इंग्लैंड का बहुत से देशों पर कब्जा था
और इंग्लैंड जैसे देश ने जापान जैसे छोटे देश के साथ समझौता किया था। कितनी दुनिया पर, इंडिया पर भी कब्जा था, चाइना के भी बहुत सारे हिस्से पर कब्जा था, यूएसए इन पर, यूएसए पे हालांकि क्रांति के तहत अधिकार ख़त्म हो गया था, लेकिन बहुत से देशों पर कब्जा था इंग्लैंड का उस समय, और उसने जापान के साथ समझौता किया था। तो फ्रेंड्स, जापान ने कब प्रवेश लिया था इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, प्रथम विश्व युद्ध में? 1918 तक चला था ये विश्व युद्ध, 1914 से 1918 तक। 23 अगस्त 1914 को जापान ने प्रवेश कर लिया था इसमें। अगस्त का महीना बहुत सी घटनाएं हुई हैं जापान में, जैसे मैंने बताया 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। 1910 ईस्वी में जापान ने किस देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? कोरिया पर। इसी के लिए ये लड़ाई लड़ रहा था, कोरिया पर अधिकार करने के लिए। चीन से लड़ा था, उसके बाद रूस से लड़ा था, और 1910 में इसने पूरी तरह कब्जा लिया था कोरिया को। अगला प्रश्न, जापान के रूस व चीन के साथ युद्ध की मुख्य वजह थी कोरिया, कोरिया पर यह अधिकार चाहता था। मेजी, मेजी के बारे में आगे आप काफ़ी कुछ पढ़ोगे, ये क्या था मेजी, क्या सिस्टम था ये, इसके बारे में मैं आपको सिर्फ वन लाइनर में, एक ही पंक्ति में आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा आपके। सम्राट मित्सुहितो ने जापान की गद्दी पर बैठते ही उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है ये उपाधि थी, मेजी की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, इसी ने चेंज लाया था पूरे जापान में, इसी सम्राट ने, मित्सुहितो, और इसी के बल पर जापान दुनिया को टक्कर देश का, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध शासन, ये अर्थ है मेजी का अर्थ है, और ये एक उपाधि थी, एक अच्छा शासन करने के लिए उपाधि धारण की थी वहाँ के सम्राट ने। अगले क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होगा, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मेजी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला वन लाइनर क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, मेजी बहाली किस देश में हुई थी? 5-7 क्वेश्चन करके फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, आप भी उनका आंसर देना। देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हो आप। मेजी बहाली किस देश में हुई थी? इस देश का नाम है जापान, और मेजी का अर्थ क्या है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, प्रबुद्ध शासन, और वास्तव में मेजी क्या था, एक तरह की उपाधि थी जो उस समय के सम्राट ने धारण की थी, और उसने बहुत ज़्यादा बदलाव किए थे इस देश में, प्रगति के राह पर उन्होंने लाया था इसको। मेजी युग किस सम्राट के कार्यकाल को माना जाता है? इस सम्राट का नाम है सम्राट मित्सुहितो, सम्राट मित्सुहितो ने के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेजी पुनः स्थापना से पूर्व जापानी सम्राट का कार्यालय कहाँ था? क्योटो में। क्योटो जापान का एक शहर है, प्राचीन शहर, और टोक्यो भी एक बड़ा शहर है, हालांकि उस समय इसको, इसका नाम क्या था, येदू नाम था टोक्यो का। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। और अगला क्वेश्चन, जापान में शोगुन का क्या क्या कार्य थे? प्रधान सेनापति, शोगुन कौन होता था, प्रधान सेनापति। अगला क्वेश्चन, जापान सम्राट द्वारा चार्टर शपथ कब ली गई थी? 6 अप्रैल 1868 को। और टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? येदू, येदू इसका प्राचीन नाम था। मेजी संविधान कब लागू हुआ? जो संविधान लागू हुआ उसको क्या नाम दिया गया? मेजी संविधान, 1889 में, 1889 को। अगला क्वेश्चन, जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? 1871 में, 1871 में। चीन जापान युद्ध कब हुआ था? 1894-95 में चीन जापान युद्ध हुआ था, और इसमें किसकी हार हुई थी? चीन की हार हुई थी, जापान जीत गया था ये युद्ध। अगला क्वेश्चन, शिमनोस्की की संधि कब हुई थी? 17 अप्रैल 1895 को शिमनोस्की की संधि हुई थी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप भी इनका आंसर देने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मित्सुहितो जापान का शासक कब बना था? ये बना था, 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, 1868 में। तो फ्रेंड्स, मित्सुहितो वो ही है जिसने मेजी की उपाधि धारण की थी। मेजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन, और जापान को एक प्रगतिशील देश के रूप में उभार के ले आए थे, सैनिक शक्ति बहुत अधिक पावरफुल कर दी थी, कि चीन को भी हरा दिया, रूस को भी हरा दिया, इन्होंने ही शुरुआत की थी एक तरह से जापान की।
जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? 1871 में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन्हीं के समय में पूरे जोर पकड़ गया था जापान में। मेजी पुनः स्थापना हुई थी 1889 को। ये कौन सी डेट है फ्रेंड्स? मेजी संविधान लागू हो गया था, मेजी संविधान 1889 में। अगला प्रश्न, जापान में नया संविधान 1889 में, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चीन जापान युद्ध कब हुआ था? 1894 में शुरू हुआ था, 1895 में रिजल्ट आ गया था, जापान जीत गया था। अगला प्रश्न, आंग्ल जापान गठबंधन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। ये भी फ्रेंड्स बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है जापान की हिस्ट्री में, आंग्ल जापान गठबंधन। इतने बड़े देश ने जापान जैसे छोटे देश को इतना बड़ा दर्जा दिया था। और अगला प्रश्न, किस देश ने शानदार पृथक रहने की नीति का पालन किया था? इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न, चार्टर शपथ ली गई 1868 में। तो फ्रेंड्स ये मेजी से संबंधित ही है, ये जो मुत्सो इतो जापान का शासक बना था उससे संबंधित चार्टर शपथ है ये। जापान सम्राट का कार्यालय था पहले कहाँ पर था? क्योटो में एक कार्यालय था जापान के सम्राट का। लेकिन फ्रेंड्स अगला है, शिमनोस्की की संधि हुई थी 1895 में, शिमनोस्की की संधि। अगले वन लाइनर क्वेश्चन से कुछ एक मैं पहले ही बता चुका हूँ, 11 वन लाइनर्स, और भी वन लाइनर्स आपको करवा देता हूँ मैं। इंग्लैंड जापान गठबंधन कब हुआ था? 1902 में। जापान में नई डाक प्रणाली कब आरंभ की गई थी? 1871 में, इसी साल शिक्षा नई शिक्षा प्रणाली भी वहाँ पर लागू कर दी गई थी। जापान में प्रथम तार लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टोक्यो से योकोहामा तक। और जापान में प्रथम तार लाइन कब बिछाई गई थी? 1889 में। तो फ्रेंड्स इसी दौरान काफ़ी सारे चेंजेज आए जापान में। बैंक ऑफ जापान भी खुला 1882 में, मेजी की उपाधि धारण करने वाले मोत्सो इतो के राज में। रूस जापान युद्ध 1904-5 में, रूस को हरा दिया था जापान ने बुरी तरह से। और उसके बाद अगला प्रश्न, रूस जापान युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? इस संधि का नाम था पोर्ट्स माउथ की संधि। इस संधि के बाद रूस जापान युद्ध समाप्त हो गया था। अगला, पोर्ट्स माउथ की संधि कब हुई थी? 1905 में हुई थी, 1904-5 में युद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स पोर्ट्स माउथ की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था रूस और जापान के बीच। जापान की इसमें जीत हो गई थी, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश को भारत ने हरा दिया था। और फ्रेंड्स रशियन रिवॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि उस समय रूस का शासक कौन था, तो फ्रेंड्स मैं ही बता देता हूँ, जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक था उस समय। और इसी कारण वहाँ पर रूस की प्रथम क्रांति हो गई थी 1905 ईस्वी में। उसके बाद रूस की द्वितीय क्रांति 1917 में हो गई थी, जो कि मुख्य क्रांति थी बदलाव लाने वाली। जार निकोलस द्वितीय की हत्या कर दी गई थी उसके बाद, क्रांति के बाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश लिया? 23 अगस्त 1914 को जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश लिया था। जापान ने किसकी ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से जापान ने भाग लिया था, क्योंकि इंग्लैंड के साथ इसकी संधि थी कि वो एक दूसरे की सहायता करेंगे युद्ध वगैरह में। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? 1940 में। और फ्रेंड्स जो हुआ जापान के साथ वो तो सभी को पता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ एक लाइनें दब रही हैं इसकी, हालांकि मैं बोल के बता दूंगा आपको। ये है, द्वितीय विश्व महायुद्ध में जापान के किन नगरों पर एटम बम गिराया गया था? नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और फ्रेंड्स लिटिल बॉय और फैटमैन इनके नाम थे। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ दिया था? इसने जर्मनी और इटली का साथ दिया था, अमेरिका के खिलाफ था, इसी कारण अमेरिका ने इस पर बम गिराए थे। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? 14 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त, 6 और 9 अगस्त 1945 को इस पर बम गिराए गए। 1945 को 14 अगस्त को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अगस्त के महीने में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जापान में। 23 अगस्त को इसने
1914 को इसने भाग ले लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। मेजी युग में किन लोगों की भूमि का स्वामी बनाया था? तो कृषक को भूमि का स्वामी बनाया था मेजी युग में। और मेजी के बारे में डिटेल से पूरे वीडियो में बताया दिया है। चीन जापान युद्ध कब समाप्त हुआ था? 17 अप्रैल 1895 को चीन जापान युद्ध, और चीन हार गया था जापान से। 1937 में भी चीन को दोबारा हराया था जापान ने। चीन जापान युद्ध किसकी हार हुई? चीन की। जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। तो फ्रेंड्स ये थे वन लाइनर क्वेश्चन। सब फ्रेंड्स आप कमेंट्स में लिखकर जवाब दे दीजिए, अगले वीडियो में आपके नाम शामिल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि जापान में, फ्रेंड्स जापान में हालांकि कोई क्रांति नहीं हुई, मेन क्रांतियां चीन की रूस की सभी मैं कवर कर चुका हूं, उनके लिए आप अगले जो वीडियोज हैं उनको मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप PDF पेजेज पा सकें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि जापान के कौन से शासक थे तब मेजी की उपाधि धारण की थी उन्होंने, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और जापान पर हिरोशिमा पर किस तारीख को गिराया गया था एटम बम? तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और अगले वीडियो में अपने नाम